सो so, आज की स्टडी में हम बात करेंगे काइनामेटिक्स की कायनमेटिक्स है क्या इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन मोशन में जो ऑब्जेक्ट्स होती है उनकी स्टडी इज़ काइनामेटिक्स सो इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन अब मोशन नाम ले लिया तो मोशन और रेस्ट इन दोनों टर्म्स के रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं वट इज़ रेस्ट एंड

अगर कोई बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब क्या होता है इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन द बॉडी विल बी कॉल्ड एज इट इज़ इन रेस्ट अगर एक बॉडी अपनी पोजिशन को अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगी तो उस बॉडी को हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है सो इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग या फिर टाइम दैन द बॉडी विल बी कॉल्ड इज इन रेस्ट इट इज इन रेस्ट नाउ वट इज मोशन अगर कोई बॉडी चेंज नहीं कर रही है अपनी पोजिशन विद रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग दैन उस बॉडी को हम बोलेंगे मोशन में है वो बॉडी जब वो बॉडी अपनी पोजिशन को चेंज कर रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में If a body changes its position with respect to its surrounding, then the body will be called as in rest and मैंने बोला ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है कैसे है अब इसके बारे में जानते हैं सो so, अगर आप सपोज करो आप ट्रेन में बैठे हो ये एक ट्रेन है और इसमें आप बैठे हो और आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति या फिर ह्यूमन बैठा है और बाहर में जो सराउंडिंग्स है जैसे कि ट्रीज़ बाहर खड़े लोग उनके लिए आप मोशन में हो बाहर जो हमारे लोग खड़े हैं ट्रेन के बाहर जो लोग खड़े हैं उनके लिए आप मोशन में हो बट वट अबाउट द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ट्रेन के अंदर जो आपके सामने बैठा है बंदा उसके लिए आप रेस्ट में हो सो दैट्स वाई एक टाइम पे आप रेस्ट में भी, भी हो एक टाइम पे आप उसी वक्त उसी वक्त दूसरे बाहर वाले लोगों के लिए आप मोशन में हो इसलिए मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स अब मोशन थ्री टाइप्स का होता है मोशन इज ऑफ थ्री टाइप्स मोशन इन वन डायमेंशन मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन थ्री डायमेंशन सबसे पहले बात कर लेंगे हम मोशन इन वन डायमेंशन की मोशन क्या होता है जब बॉडी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो रही हो सराउंडिंग से चेंज हो रही हो सराउंडिंग के रिलेटेड चेंज हो रही हो सो so, जब बॉडी मोशन में है मतलब कि वो रेस्ट में नहीं है तो जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी तब दैट टाइप ऑफ मोशन विल बी कॉल्ड एज मोशन इन वन डायमेंशन जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होगी मोशन में हो मगर स्ट्रेट लाइन में और आउट ऑफ एनी थ्री कोऑर्डिनेट सिर्फ़ एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा एक्स वाई या जेड इनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा जब मोशन इन वन डायमेंशन होगा जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होगी हमें पता है एक्स वाई जेड ये एक्सेज होते हैं एक्स और जेड को तो मैं बोर्ड पर ड्रा कर सकती हूँ मगर जेड एक्सेस को मैं ड्रा नहीं कर सकती सो so, जेड एक्सेस की बात करेंगे बाद में ये हमारा एक्स एक्सेस है ये हमारा वाई एक्सेस है सो व्हाट अबाउट जेड एक्सेस बोर्ड के बाहर आ रहा है आपकी स्क्रीन की तरफ जेड एक्सिस आ रहा है ऐसे कुछ इस तरह जेड एक्सिस और बोर्ड ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस इसी की बात कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन की सो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है जब एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सॉरी सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तब वो मोशन वन डायमेंशन में कहलाई जाएगी एक्स वाई या फिर जेड इन में से कोई एक ये पॉइंट याद रखना कि इनमें से कोई एक पॉइंट अगर चेंज होगा कोई एक कोऑर्डिनेट सॉरी कोई एक कोऑर्डिनेट जब चेंज होगा एक्स वाई या जेड में से तब वो मोशन वन डायमेंशन वाला मोशन हो जाएगा एंड ये बॉडी सपोज करो स्ट्रेट लाइन में गई और उसी स्ट्रेट लाइन पाथ में वापस आ गई तो इस केस में इस केस में क्या हो जाएगा जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में गई और उसी लाइन में वापस आ गई उसी पाथ में वापस आ गई तो ये एग्जाम्पल हमारी मोशन इन वन डायमेंशन की ही है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में गई फिर वापस स्ट्रेट लाइन में आ गई उसी पाथ में तब दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज वन डायमेंशन मोशन अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में सेम पाथ पे रिटर्न कर रही है और अगर एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे तो उसी पाथ में वापस आई ना बॉडी उसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे बॉडी वापस आ गई सेम स्ट्रेट लाइन पाथ में बॉडी वापस आई इसलिए मैंने कहा कि दैट इज़ मोशन इन वन डायमेंशन दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन बट अगर आप दूसरी एग्जाम्पल देखोगे दैट इज जैसे कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और यहाँ पे दूसरे पाथ पे चलेगी डायरेक्शन अलग होगी, कोऑर्डिनेट चेंज हो गया सो so, ये क्या वन डायमेंशन मोशन है नहीं बिल्कुल भी नहीं दिस इज़ नॉट इन वन डायमेंशन इसलिए दिस इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन मोशन अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सो दिस वाज़ क्वेश्चन एंड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इंसेक्ट अगर कोई थ्रेड पे चल रहा है थ्रेड क्या है इंसेक्ट के लिए स्ट्रेट लाइन पाथ है इंसेक्ट ऑन अ थ्रेड इज an example ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन सो insect अगर थ्रेड pe चल रहा है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन इसकी और एग्जांपल्स भी देखेंगे हम इंसेक्ट के रिलेटेड बाकी डायमेंशन में भी अभी हम बात करते हैं टू डायमेंशन की टू डायमेंशन की मोशन इन टू डायमेंशन इसकी बात करें तो इसमें मोशन जब एक प्लेन में हो रहा हो वन डायमेंशन मोशन वॉज इन स्ट्रेट लाइन यहाँ पे प्लेन एक प्लेन जैसे कि एक वाइट बोर्ड जैसे कि ये वाइट बोर्ड है जैसे कि आपकी आ, फोन फ़ोन की स्क्रीन है वो एक प्लेन सरफेस है प्लेन सरफेस पे होने वाला मोशन इज कॉल्ड एज मोशन इन टू डायमेंशन लाइक योर फोन स्क्रीन लाइक दिस वाइट बोर्ड कोई भी प्लेन सरफेस कोई भी डेस्कटॉप की प्लेन सरफेस कोई भी प्लेन सरफेस ले लो उस पर जब मोशन होती है दैट इज कॉल्ड एज मोशन इन टू डायमेंशन इसमें एक कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा एक एक्सिस चेंज नहीं होगा इसमें पहली बात मोशन वन प्लेन है एंड दूसरी बात कि इसमें एक्स वाई या वाई जेड या फिर एक्स जेड कोऑर्डिनेट हमारा चेंज होगा इनमें से कोई एक एक्स वाई या वाई जेड या फिर एक्स जेड ये एक्स हमारा एक्सिस है ये हमारा जेड एक्सिस जो बोर्ड के बाहर आ रहा है इनमें से कोई एक एक्सिस चेंज होगा कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि एक बोट प्लेन लेक पे प्लेन फिगर है एक लेक क्या है प्लेन फिगर उस पे सेल कर रही है दैट इज एन एग्जाम्पल इंसेक्ट अगर वॉल पे चल रहा है वो भी एक प्लेन फिगर है तो वो भी मोशन इन टू डायमेंशन है कैरम की एग्जाम्पल ले लो वो भी एक प्लेन फिगर है मोशन इन टू डायमेंशन अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चल रही है सर्कुलर पाथ भी एक प्लेन पाथ है क्योंकि सर्कुलर पाथ को मैं वाइट बोर्ड पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ तो भी ये प्लेन पाथ है सर्कुलर मोशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है दिस इज़ नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन ये वाला मोशन पेंडुलम का मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है जैसे कि मैंने फुटबॉल को किक मारी और यहाँ पे ऐसे फुटबॉल इस पॉइंट से जाके यहाँ पे आ गई इसका मतलब है ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ऐसा काइंड ऑफ मोशन इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन तो जहाँ पे ऐसा मोशन हो वो भी हमारा टू डायमेंशन वाला मोशन है ठीक है इट इज़ ऑल्सो अ मोशन इन टू डायमेंशन एंड पेंडुलम मोशन इज़ ऑल्सो पेंडुलम का जो मोशन होता है दैट इज़ ऑल्सो टू डायमेंशन और इंसेक्ट अगर वॉल पे चल रहा है वॉल वॉल क्या है प्लेन फिगर है दैट इज इज दैट इज इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन इसके बारे में मैंने दो बारी बता दिया आपको अगर वॉल पे इंसेक्ट चल रहा है मोशन इन थ्री डायमेंशन की बात करें तो ये स्पेस में ऑपरचुनिट है इट इज ऑपरचुनिट इन स्पेस इसमें एक्स वाई जेड तीनों चेंज कर सकते हैं एक्स वाई जेड चेंजेस इट इज़ अपरचुनेट इन स्पेस ऐसा मोशन जो कि स्पेस में होगा जो बॉडी स्पेस में मूव करेगी उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन इन थ्री डायमेंशन का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल अगर एक बर्ड फ्लाई कर रही है स्काई में अगर एक काइट फ्लाई कर रही है तो उसका हर एक एक्सिस चेंज हो रहा है इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन थ्री डायमेंशन हर एक एक्सिस चेंज करेगा एक्स वाई साइड जैसे कि इंसेक्ट ग्लोब पे चल रहा है तो ग्लोब एक प्लेन फिगर बिल्कुल भी नहीं है ग्लोब एक स्फेयर है थ्री डी फिगर है उसका ग्लोब का हर एक एक्स वाई जेड चेंज होगा इंसेक्ट का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे चेंज होगा उसका ग्लोब का हमारे ग्लोब की बात करें तो इट इज़ नॉट अ प्लेन फिगर इट इज स्फेयर थ्री डी फिगर है ठीक है थ्री डायमेंशनल फिगर है सो इंसेक्ट ऑन अ ग्लोब इज एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशन इट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशन मोशन अब हम बात करेंगे आगे चलेंगे आगे बात करेंगे किस टॉपिक की मोशन के आगे सारे मोशन की एग्जाम्पल ख़त्म होगी एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं मोशन की ही आपने बताना कौन सा मोशन है ये सपोज़ इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर स्प्रिंग के साथ टांगा हुआ और यहाँ पर मोशन जो होगी वो अप एंड डाउन मोशन होगी तो ऑब्वियसली कैसी मोशन होगी ये येस इट विल बी मोशन इन वन डायमेंशन जब बॉडी ऊपर और नीचे मूव करेगी तब ऐसी बॉडी को हम कहेंगे कि ये वन डायमेंशन मोशन की एग्जाम्पल है सो इट विल बी मोशन इन वन डायमेंशन अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस की डिस्टेंस क्या है एक पाथ लेंथ टोटल जो पाथ लेंथ होती है जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है दैट इज डिस्टेंस सो जितना पाथ लेंथ ऑब्जेक्ट कवर करेगा दैट विल बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये टोटल पाथ लेंथ नहीं है बल्कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इट इज़ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन तो इसे हम शॉर्टेज डिस्टेंस भी कह सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल देखो एक बॉडी है जो ए पॉइंट से जाके सी बी पॉइंट तक पहुंच गया ए पॉइंट से शुरू हुआ और बी पॉइंट तक पहुंच गया यहाँ पे आप फिगर में देखो चलो इसे बी पॉइंट मार लेते और इसे सी पॉइंट मार लेते हैं ए टू बी गया फिर बी टू सी गया तो ये क्या है हमारा ये डिस्टेंस है क्योंकि ये पूरी पाथ लेंथ है हमारी जि, जितने पाथ पे वो ऑब्जेक्ट चला वो बॉडी जितने पाथ पे चली दैट इज पाथ लेंथ एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारा इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच का डिस्टेंस दैट इज ए सी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो वट इज़ डिस्प्लेसमेंट इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वैक्टर क्वान्टिटी है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्वान्टिटी है ये दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डिस्टेंस नहीं है इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डैट इज डिससमेंट सपोज एक बॉडी है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ए टू बी पॉइंट पर गई तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए बी यहाँ पर डिस्टेंस ए पी एंड डिसप्लेसमेंट बी ए बी ही होगा तो स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा ए बी ही है है ना यहाँ पे इस एग्जाम्पल में तो डिस्टेंस भी ए बी और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ए बी क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट ए बी दिस इज स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के केस में ऐसा हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आया सो so, इस केस में डिस डेयर फोर डिस्टेंस इज इक्वल टू तो डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट के बाहर ये साइन मैं लगाऊंगी ये साइन लगाना ज़रूरी है बस लगाना है इसको भूलना मत इससे कोई डरने वाली बात नहीं है ये क्या आ गया तो सिंपल बात है डिस्प्लेसमेंट के बाहर ये साइन लगाना है आपको ठीक है सो so, डिस्टेंस इज इक्वल टू तो डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन अब इधर अगर आप देखो इसको इक्वेट किया हमने distance, है हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल लाया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस स्केलर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमने इनके मैग्नीट्यूड को इक्वल बताया है ये नहीं बताया आप सोच रहे हो कि ये इक्वल कैसे आ गए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जो दो डिफरेंट क्वांटिटीज है इनको इक्वल कैसे ले आए हम इनके मैग्नीट्यूड को इक्वल ला रहे हैं इनको नहीं इनके मैग्नीट्यूड को इक्वल बता रहे हैं रिमेंबर दिस पॉइंट मैग्नीट्यूड इनका इक्वल आ सकता है जैसे कि इस केस में आ गया तो इसी इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व करूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा आ रहा है जिसमें क्या बचा वन सो दिस इज द केस ऑफ दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द स्ट्रेट लाइन पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर ही एप्लीकेबल है और कहीं पे भी नहीं है याद रखना है ये फॉर्मूला कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट वन के इक्वल तभी आएगा जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा और कर्व्ड पाथ की बात करें तो कर्व्ड पाथ केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होगा दिस इज कर्व पाथ सपोज करो ये पॉइंट हमारा ए है दिस इज डिस्टेंस ए पॉइंट एंड बी पॉइंट कर्ड पाथ है ये हमारा डिस्टेंस है एरो मैंने शो किया हुआ है कि यहाँ पे ये हमारा डिस्टेंस और यह हमारा डिस्प्लेसमेंट है क्यों क्यों ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है क्योंकि ये ए और बी इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच का डिस्टेंस है डिस्टेंस असली में हमारा ये कर्व पाथ है ठीक है पहले से आपको बताया हुआ है ये सो so, डिस्टेंस इस केस में आप फिगर में देख सकते हो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है सामने दिख रहा है इस केस में कर्व्ड पाथ केस में डिस्टेंस इज ग्रेटर देन देन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज़ ग्रेटर तो इसलिए आपको समझ आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होता है या तो इक्वल होता है डिस्टेंस के स्ट्रेट लाइन पाथ में हमने जैसे देखा था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होगा या तो छोटा होगा डिस्टेंस से यह बात समझ लो और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा डिस्टेंस के स्ट्रेट लाइन पाथ में और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस के कर्व पाथ में ये दोनों केसेस एप्लीकेबल है डिस्प्लेसमेंट इज इधर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं तो इसको कंक्लूड करके हम लिख सकते हैं दोनों चीज़ों को कंक्लूड करके कि लेस देन भी है और इक्वल भी है हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन वन इसको कर्उ पाथ वाले केस को देख के हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज लेस देन वन एंड दोनों चीज़ों को जब हमने कंक्लूड किया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन वन है और इक्वल टू वन है डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट याद रखना डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये पॉइंट हमें समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेस लेस देन और इक्वल टू वन दोनों चीज़ों को कंक्लूड करके देखा स्ट्रेट लाइन पाथ और कर्व पाथ के केस को दोनों केसेस को कंक्लूड करके देखा तो ये चीज भी पता चल गया हमें कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो इज लेस देन और इक्वल टू वन स्ट्रेट लाइन पाथ के केस में हमने क्या देखा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू वन इनका रेशियो वाज इक्वल टू वन इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड कर्व्ड पाथ के केस में इनका रेशियो वाज कर्व्ड पाथ के केस में रेशियो वाज लेस देन वन इन दोनों चीज़ों को ही कंक्लूड करके ये आया था हमारे पास एंड कुछ अभी हम ट्रिकी क्वेश्चन देख लेंगे ये सारी बातें थी हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का हमारा रेशियो लेस देन और इक्वल टू वन होता है सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक लेस देन और इक्वल टू वन होता है सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कर्व पाथ के केस में भी देख लिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है और आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट मे बी ग्रेटर और लेस देन uh, 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 मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे डिसप्लेसमेंट में भी ग्रेटर देन डिस्टेंस तो इसका मतलब ये गलत है क्योंकि डिसप्लेसमेंट कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता डिस्टेंस से अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे कि तीन स्टूडेंट्स हैं इन्होंने कुछ पाथ कवर किया एक स्टूडेंट ने ऐसा पाथ कवर किया ए से लेके पॉइंट पी तक गया और ऐसी डायरेक्शन में गया और दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया ये पाथ कवर किया ए से लेके बी गया मगर ऐसा पाथ कवर किया दिस इज पॉइंट ए एंड तीसरे स्टूडेंट ने कैसा पाथ कवर किया ए टू बी ही गए सारे स्टूडेंट मगर अलग तरीके से सो पाथ इज डिफरेंट अब इस केस में मैं बताऊँ आप कि डिस्टेंस डिफरेंट है कि इक्वल है ये स्टूडेंट टू ये स्टूडेंट थ्री डिस्टेंस इस केस में डिस्टेंस इस केस में डिस्टेंस इस केस में जो पाथ लेंथ है हर स्टूडेंट की वो डिफरेंट है और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सबकी सेम है क्योंकि ए टू बी गए हैं सब इनिशियल और फाइनल पोजिशन सबकी सेम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबका सेम है दैट इज ए टू बी डिस्प्लेसमेंट इज सेम सबकी डिस्प्लेसमेंट सेम है बस डिस्टेंस ए बी ने फर्स्ट uh, स्टूडेंट ने ऐसा सेकंड स्टूडेंट ने ऐसा और थर्ड स्टूडेंट ने ऐसा पाथ कवर किया और ये भी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रही सो so, डिस्टेंस की बात करें इट डिपेंड्स अपॉन पाथ डिस्प्लेसमेंट यूनिक है सिंगल है फिक्स्ड है सो डिससमेंट डिपेंड किस पे करता है इसकी बात करेंगे डिसप्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन जैसे डिस्टेंस पाथ पे वैसे डिस्प्लेसमेंट ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ए टू बी हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन था